इस संदूक को सूंघ रहा गाइस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सारे बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं ना पीयूष का पूरे 2 घंटे से वेट करने लगा हूँ और मेरे को ये बोल रहा हूँ भंडारे में गया हुआ था और पता चला भी कि भाई नहर पे जा रखा था। मैंने इसको इतनी बार मना कर रखी, भाई नहर में मत जाएगा, डूब जाएगा, कहीं तेरे को तैरना नहीं आता अच्छे से। सोते सोते उठा के बाइक पे बिठा के लेके जाया हुआ है। ठीक है, कल मैं तेरे को सोते हुए को उठा के लेके जाऊंगा और नाले में फेंक के आऊंगा, ठीक है ना। नहीं ना ना ना, देखियो तो कल देखियो तू कैसे किस चढ़े फेंकेंगे तेरे को। ठीक है। और फिर तूने मना किया, क्या किया जाए फिर इसके साथ। नाले फेंकने के बाद दोनों जैसा कलर हो जाएगा मेरा, देख कैसे है दोनों। ये तो घना थोड़ा बदन है। इतना तो नहीं होना। हमारे गांव की 2 नहर है, उसमें बारी बारी डबो डबो का टांग पकड़ कर तना खूब नवाऊंगी। ठीक है, समझ गया। तो गाइस, बाकी मेरी मम्मी और ऋतिक जा रहे हैं मामा के, तो बहन को मामा के छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और साथ में इसलिए बुला रहा था मैं इसको। इतना लेट होगा, इतना लेट होगा। कितने दिन के लिए जा रहे हो मैं फिर? 1 महीने के लिए। ओहो, इतने दिन रुकोगे? पेपर खत्म, कॉलेज खत्म। अब एक भी ना ठंडा छुट्टेगा। हेलो भैया, ताता भैया कैसे हो? कहाँ से सीखा? वीडियो में। हमने तो जिंदगी में बोला ही नहीं है ताता थैया वर्ड्स। तो गाइस, नानी के पास रुपया तो बहुत है, देखते कितना रुपया देगी अभी मेरे को। मुझे लग रहा है कि 100 रुपीज मिलेंगे। पैसे लेने आते हो? मना करूँ फिर भी देगी नानी। तेरी माँ की माँ है। ना ले पकड़, आराम से जाइए बेटा। ना 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 करते। देखा अपू डॉन का तो गरीब ही अच्छा है, 30 रुपए मिले। 50 ओके। बाय गाइस। तो गाइस, मम्मी और ऋतिक को तो मम्मा ने घर पे छोड़ दिया, अब सामत आने वाली है मेरी। अब यार घर का काम करना पड़ेगा जब तक मम्मी और ऋतिक यहाँ पे रुकेंगे। अरे कोई नहीं, तेरा भाई रहे, मैं करवा दूंगा साथ में। गाइस, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, साफ सफाई, सारा काम। यार तू लड़कियों की तरह काम करता रही हो सारा। ओके, पुटन कड़ी चीज को वो देख कितनी खा गया। उसको देख, तू नींद कितनी ज्यादा खराब है, देख कितने चपेट में खाने लग गया। एक चम्मच भागी थी उसमें, तभी बबलू तक कमा दी थी 2 चम्मच। झूठ बोल रहा भैया, 1 चम्मच भी ना कोई बबलू। इसी ने उठाया था मेरे को, उठा के बाइक पे बोला चल नहर पे। नहर पे क्यों ले गया था? एक बात बता, इसका मन था जब तो ये गया, मैं जबरदस्ती बांध के थोड़ी ना ले गड्डी थोड़ी ना, जो चाइल्ड लॉक लगा दिया, लॉक ना खुलेगा। जो प्लान बताया था मैंने उसके साथ करना है। आपने ना ट्रक किया जब भी जा रहे हैं? मैं तो जाऊंगा नहीं आगे से कभी। इतने सारे बच्चे, इनमें सिर्फ एक विनर होगा और सामने ना इसकी चढ़ के अंदर से जाना और वहाँ पे 3 चप्पल रखी हुई है, तीनों में से कोई भी 1 चप्पल उठा के लाया और इस गोल चक्कर में डाल दी, वो विनर हो जाएगा सबसे पहले। अरे तू क्यों कर रहा है? ये कुछ भी कर सकता है, गू भी खा सकता है। अरे काले, यही तो बात नहीं बतानी थी बस। 1 2 3 भाई बबलू जीत गया। बबलू ओ भाई साहब, देख क्या हालत हो गया। अरे इसके पास आ, वो 100 का लेके भाग गया, चीटिंग कर रहा, लेके भाग रहा 100 रुपए। ये हमारा 100 रुपए का हकदार बन गया असली। सो गाइस, अभी मैं शैडो घुमाने लग रहा था और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आदमखोर वाली जगह पे चले। अरे कुछ भी नहीं आवा तो अब। अरे क्या पता कुछ मिल जाए। कहाँ पे जा रहे हो भैया? आदमखोर। ये भी आ गया, शैडो को भी लेके चलो ना भैया, कैसे गाड़ी को देखते ही ऊपर कूदने लग गया। ले चलते हैं भाई। तू कहाँ घूम रहा? रील बनाने गया था। अकेला रील? यही तो जलवा है, गाड़ी को उठाओ चाबी और निकल जाओ। सच सच बता ना, अभी मैं आया हूँ वहाँ से रील बना के, कुछ भी फेंकता भैया। चलते हो तो अभी चलो, ट्रेन देर हो जाएगा। क्या हाल है शैडो, तेरे को आदमखोर की पिंडी फाड़नी है, ठीक है ना? ये रहा गाइस आदमखोर वाला घर, राइट साइड से तो पूरा टूटा हुआ है यार। सो गाइस, आते ही साथ सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दी ये चूड़ियाँ पड़ी है गाइस, और कुछ जलाया हुआ है भाई, टोटका करके गया कोई जरूर, और ये देख सिक्का ही पड़ा हुआ है। ओए छेड़ मत, छेड़ मत भाई, गलत है टोटके का भाई यार, पर दूर रह लो ना यार, दिमाग नहीं है क्या तुम में? चीनी खराब है यहाँ तो। बाकी उधर जाओगे देखना क्या क्या दिखेगा। क्या हो गया भाई एकदम? क्या बता भाई, क्या दिखा, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा भाई। लोमड़ी थी, गिद्दड़ है, पता नहीं क्या है। पक्का गिद्दड़ थे भैया? ले भाई, इनका और खतरा हो गया यहाँ पे। चलो देखियो, कमांड देते की साथ में। तू फर्स्ट टाइम आया क्या इधर? अरे इसके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ, नहीं तो वहीं से चले जाते हैं हरदम। ठीक है, तेरे को सुना रहा अवसर मिलेगा इसके नीचे घुसने का, मैं भी घुस के देखूंगा भैया। अरे भाई ये तो दुखी कर देगा, बहुत जोर लगा रहा है, मान ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिख रहा है इसको यहाँ। गाइस ये पता नहीं क्या यार, ये संदूक सी पड़ी है इधर, किसकी है ये? कुछ है इसके अंदर? कुछ नहीं है, बस मच्छर है, ऊपर देखो चमगादड़ घूम रही है, हर एक कोने को सूंघने लग रहा है।
भाई स्मेल तो अंदर बहुत बुरी आ रही है और ऊपर बहुत सारे चमगादड़ घूम रहे हैं। चलो अब उस घर की तरफ चलते आजो। कूद तो गैंग आ गई थी यार एकदम, दोनों ने पकड़ा, अरे एक से तो संभला भी नहीं, मेरे हाथों से छूट जाता ऐसा काम हो गया तो एकदम अटैक करा इसने तो उनके ऊपर। और भाई मैंने तो दोनों हाथ लगा रखे जब भी खींच लेके जा रहा दोनों को। थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कुछ भी सबूत मिल सकता है यहाँ पर। और भाई रात वैसे होने वाली है, ऊपर चल के देखिए क्या है। छत गिर गई तो भाई फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, एक बार देख तो लो कुछ हो। चलो अरे एकदम खींच के ले गया, पीस तू पकड़ ले, मेरे पैर में झटका आ गया, पहले ही कमर में लगी हुई और पैर में और लग गई। क्या होगा, कुछ तो था भाई, बदबू तो भी है, मुझे भी आ रही है ऐसी आ रही जैसे कोई बॉडी मतलब कुत्ते वुत्ते की वो नहीं हो जाती बहुत दिनों की पड़ी रहती है एक जगह, वैसी ही बदबू आ रही है। भाई तू चला के, मैं नहीं चल रहा, तेरे हाथ में शैडो है। अभी तो कह रहा था आगे आगे चलूंगा। नहीं भाई सेकंड पे तू चलो, ये डंडा मेरे को दे दे। क्या पता क्या था एकदम खिड़की में से कुछ देख के भागा है वहाँ से। भैया मेरी पिंडी कांप रही है, भैया आप जाओ ऊपर, मैं तो नीचे ही खड़ा हूँगा। निखिल तू तो आ जा, तू फट्टू कब से होगा इतना। अरे मैं तो आ रहा हूँ चलना भाई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है भाई। कुछ है क्या अंदर, क्या पता। मैंने तो पैर ही रखा था, एकदम ईंट फट गई भाई, बहुत तगड़ी स्मेल आ रही यार। मैं रुक रहा भैया नीचे, नीचे तो किसी किसी चीज की आवाज आ रही है। वाउंटिंग होगी यार इसके तो, भाई इसके ऊपर रुकने में खतरा लग रहा है। कुछ है क्या अंदर, छत भी यार पता नहीं कब क्या गिर जाए। उधर से तो पूरा गिर गया यार, कुछ भी नहीं यार अंदर कुछ भी। क्या हो गया, हट रहा भाई इसके ऊपर चढ़ के देखियो यहाँ से। मैं नहीं चढ़ रहा, मेरे बस की नहीं है। अरे शैडो पकड़, मैं चढ़ता हूँ। क्या हो गया भाई, अरे भाई इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, वोमिटिंग और होगी। देख के चढ़िए थोड़ा, इधर भी पैर फंसा लियो। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है भाई। इस पर गैप बन गया बहुत ज्यादा भाई, टूटने वाली थी यार ऐसा लग रहा है। ऊपर नहीं थी बदबू, रही पे बदबू आ रही है। अच्छा क्या भाई, क्या हो गया, चमगादड़ बिल्कुल मुंह से गया, बिल्कुल मुंह से। इसका बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है मेरे को, यूं साथ में पकड़वा ले, एकला नहीं पकड़ा जाएगा। वो छूट गया, पकड़े रह गया टाइट, टूटने वाली है ये। बाहर निकाल शैडो, चल भाई कुछ भी नहीं है यार, चलो वापस। शैडो भाई सुगंध बहुत ज्यादा ले रहा है, बहुत ही ज्यादा समय लेने लग रहा है यार। क्या होगा भाई, कोई तो है भाई अंदर, देखियो भाई शैडो पूरा एक्टिव हो गया यार एकदम। भाई देख के बच के भाग गया भाई, इसका मतलब रियलिटी में आदमखोर है। मैंने तो पहली बार देखा भाई आज, यहाँ मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा भी आदमखोर। कहाँ भाग गया, पूरी सड़क सुनसान है यार। जल्दी निकल ले भाई यहाँ से, अटैक हो सकता है। शैडो या फिर भी फट्टू, तेरे को पता है क्या चीज है वो, तूने आमना सामना कर रखा उसका। भाई क्यों डर के जाना शैडो, भाई शैडो अभी तक तो तुम बोल रहे थे शैडो ऐसा कर देगा वो कर देगा ये कर देगा, अब शैडो के होते हुए डर रहे हो। अरे भाई क्या पता वो क्या चीज है, हमने उसका आमना सामना थोड़ी ना कर रखा है। जल्दी चलो कुछ भी हो सकता है। गाइस आ चुके ऑफिस पे और विक्की भी बबलू को छोड़ने गया हुआ, एक बार वो रो रहा था भाई मेरे को छोड़ाओ मेरे को छोड़ाओ। बबलू को बिना नीडर बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डर जाता है वो, रोने लग जाता है हर एक बात पे, कुछ भी आ जाए जब भी रोने लग जाता है, भैया चलो थोड़ा उसको बताना पड़ेगा कि इतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गाइस वो बच्चा अभी है ना। एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं कि आप लोग क्या कमेंट करते हो आजकल, कौन कौन विक्की जांगड़ा का फैन है, कौन कौन का तो पता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ विक्की जांगड़ा का। और मैं भी। जंगल में 24 आवर्स चैलेंज करो कार विद शैडो, जंगल में नहीं गाइस पर ये चैलेंज आदमखोर वाली जगह पे कर सकते हैं। क्यों भाई, अरे पागल है क्या, पता है कितना खतरा है वहाँ पे। विक्की भाई से बात करेंगे कि करना चाहिए नहीं। पीयूष ने तो बबलू की प्लेट से भी उठा लिया बट अप्पू डॉन जीत गया फिर भी। थैंक यू गाइस, वैसे भी कैसे भी जीत सकता हूँ, अप्पू डॉन कड़ी चीज है गाइस, अप्पू डॉन ऑलवेज कड़ी चीज, कोड़े कोम कोड़े धंधे। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट के लिए। बहुत बढ़िया वो लोग था, मजा आ गया। क्या 15 मिनट की वीडियो डाल सकते हो प्लीज, और चैलेंज बहुत अच्छा था। तो गाइस विक्की को जरूर बोलेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग 15 मिनट का आने वाला है, तो आप तैयार रहना। अरे बबलू की हालत कैसी कर दी बच्चों ने। गाइस ये तो था बबलू, बिल्कुल काला बना दिया बच्चों ने, मार के उसमें गार में बिल्कुल काला कर दिया बबलू। जादू। फ्री फायर का गेम प्ले डाल दो प्लीज। फ्री फायर का गेम प्ले हमें तो आता नहीं है, पर बबलू को बहुत अच्छा खेलना आता है। बबलू से कहते हैं कि वो गेम प्ले बनाए फ्री फायर का, बहुत जल्दी आएगा गेम प्ले छोटे वाले चैनल पे, इस पे नहीं। भाई आदमखोर वाली जगह पर जाओ चैलेंज आपका। तो गाइस आपका चैलेंज हमने कर दिया है, मैंने ये कमेंट देखी नहीं थी पर अब देख लिया है, ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया और कर भी दिया है। बट गाइस एक चीज लग रही है मेरे को, ये कमेंट विक्की ने पढ़ लिया होगा इसलिए उसने बोला कि आदमखोर वाली जगह पे चलते हैं, बहुत तेज है विक्की। अभी घर पे जा रहा हूं भाई, घर पे भी देख के आना क्या सीन है भाई, खाने वगैरह का पापा का खाना भी पापा का ऑर्डर करूंगा या फिर भाई पापा घर पे बनाएंगे या फिर मैं बनाऊंगा वो देखना पड़ेगा। काम ये कई दिन तक चलता रहेगा ऐसा ही सीन। बाकी तो जोमेटो से पता नहीं क्या ऑर्डर करने लग रहा, देखते गाइस कभी उस दिन वाला फ्रॉड ना हो जाए अपने साथ में।
तो चलो गाइस मैं तो भी खाऊंगा खाना, तो वीडियो कर देते हैं पर एंड, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पर नए चैनल को ना सब्सक्राइब, तो बाय बाय, टेक केयर।